फ्रेंड्स आइए आपको हम दिखाते हैं आज अपने तुलसी के पेड़ में को कैसे आप हरा भरा घना बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पुनः मैं आपको आपका स्वागत करता हूं अपने ग्रीन इंडिया चैनल में 491। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि तुलसी जो है आज के समय में, इसमें कोरोना वायरस के समय में तुलसी के पत्तों की बड़ी डिमांड है। हर व्यक्ति इसको इसके लिए खोज रहा है। आपके अगल बगल ही लोग मिल जाएंगे और कहेंगे कि हमको तुलसी का भैया कुछ पत्ता दे दीजिए या पेड़ दे दीजिए। और आप मेरी तुलसी देखिए, इसकी हरियाली देखिए, इसकी ये हमने लगा रखा है अपने गमले में। और इसकी आप हरियाली देखिए कि ये किस तरीके से जो है ये हरी भरी तुलसी है। और इसकी साइज़ देखिए आप, ये केवल एक पेड़ है। आप इसको देखें, मतलब आपको सिर्फ तुलसी ही तुलसी दिखाई पड़ेंगी। अब आप ये जानना चाहेंगे फ्रेंड्स कि हमने इसके लिए कैसे इतना खूबसूरत पेड़ तैयार किया। तो इसके लिए हम आपसे ये कहेंगे कि ये जो तुलसी के बीज हैं, देख रहे हैं आप, इसको आप जब थोड़ा सा पक जाए तो इसको आप निकाल लें और सुखा के एक अच्छे से गमले में डाल दें। और उसके बाद जो है आप उसको उसमें कुछ खाद और तमाम चीज़ें जो है, जैसे गोबर की खाद, कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट या किचन गार्डन की खाद डालकर आप मिक्स कर दें 10-15 दिन पहले। और उसके पश्चात उसको इसके बीहन को डाल दें, बीज से डाल दें। आप देखेंगे कि उसमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे जो है हफ्ते 10 दिन के बाद ही आपको छोटे छोटे पेड़ दिखाई पड़ेंगे। और जल्दी ही वो एक 15 से 20 दिन में, 1 महीने में एक रोपड़ के लिए तुलसी के पेड़ तैयार आपको मिल जाएंगे। तो आपसे हम ये कहेंगे कि आप इसको जो है तुलसी का पेड़ इस तरीके से जो आप इसमें इसके लिए जो मिट्टी आप तैयार करेंगे वो 25% काली मिट्टी हो, 25% कोकोपीट हो, 25% रिवर सैंड हो और बाकी, मतलब रिवर सैंड थोड़ी सी कम कर दें कोकोपीट है अगर, तो आप बाकी जो है गोबर की अच्छी खाद और या आपके पास किचन गार्डन की वेस्ट की खाद बनी हो वो सबसे अच्छा है, या बर्मी कंपोस्ट ले लें, जो भी आपको मिल जाए ले जाके डाल दें और गम और बनाएं। और आप इसके बाद इनकी, मतलब आप देखें कि एकदम आपको इसी तरीके से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिलेगा, जिसको आप, जिसमें आप जो है आपके पूरे परिवार के लिए जो है तुलसी के पत्ते उपलब्ध होंगे। और आप उसको जो है सेवन करें, और जानते ही हैं कि 151 बीमारियों को ये दूर करता है। और हमारे यहाँ पूज्य हैं, हमारे कान्हा के प्रिय हैं, कान्हा के लिए प्रिय हैं, बताते हैं तुलसी का अगर एक पत्ता जो है कान्हा को अर्पित कर दिया जाए प्रसाद के रूप में, तो वो उनको सारे तीनों मैंने धरती आकाश पाताल के सारे जो है भोजन का स्वाद उनको मिल जाता है और बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो कान्हा का और तुलसी का एक अटूट रिश्ता है। आप जो है अगर यदि पेड़ लगाते हैं तो ये रिश्ता और मजबूत होगा। तो मैं ये कहूँगा कि ये किचन गार्डन, हमारे ग्रीन नियर किचन गार्डन में आपने देखा कि ये तुलसी के पेड़ किस तरीके से लगे हुए हैं। सिर्फ ये एक पेड़ है, आप ये देखें यहाँ से, सिर्फ एक पेड़ है। और एक पेड़ की ये हम आपको ये लंबाई दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि ये देखिए। तो आप इसको जो है अपने वहाँ लगाएं और फिर हमको बताएं कि कैसा रहा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, यदि आपको जो है बेहन नहीं लगाना है, मैंने बीज नहीं लेने हैं, तो इसके जो बीज जैसे जैसे पकते जाएँ आप इसको काटते जाइए। मतलब आप बहुत ज़्यादा बीज मत छोड़िएगा, एक दो छोड़िएगा केवल, क्योंकि जब ज़्यादा बीज हो जाता है तो जैसे पेड़ होते हैं धान और गेहूं के पेड़ होते हैं कि जब उसमें बीज आ जाता है तो धान सूखने लगता है,
पेड़ सूखने लगते हैं, तो उसी तरीके से आप तुलसी के साथ भी है। तो बीज इसके काटते रहिए ताकि इसके अंदर नए नए कोपलें आती रहें और ये आगे डेवलप होता रहे। इसमें किसी प्रकार के किसी रासायनिक खाद के देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसमें गोबर की खाद दें, वर्मी कंपोस्ट दें, या सबसे आसान होता है किचन गार्डन की वेस्ट। किचन गार्डन की वेस्ट हम आपको बताएंगे कि कैसे उसको बनाना है, आपको वो डालिए, सबसे आसान है। ना कहीं आपको आना है ना कहीं जाना है, अपने घर के जो है, जो आपके जो है केले हैं, सेब हैं, अनार हैं, या जो है हरी साग सब्जियां हैं, या किचन गार्डन से निकले हुए सूखे पत्ते हैं, घास हैं, उनको मिला के जो खाद बनती हुई है वो सबसे अच्छी खाद होती है। उसको हम लोग ऑर्गेनिक खाद बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करें वो सबसे बेहतर होगा। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं, और इस अनुरोध के साथ कि यदि आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तुलसी के वृक्ष को लगाने में, पेड़ को लगाने में, तो आप बिना किसी संकोच के हमसे संपर्क करें और हम उसका अवश्य निदान करेंगे। और मित्रों, एक ये मेरा आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल ग्रीन इंडिया को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि मेरा उत्साह बना रहे और मैं आपको इसी तरीके से वीडियो बनाकर डालता रहूं। जय हिंद, जय भारत।